प्रेम नहीं तो किसका सीक्रेट मिशन बचाएगा अनु की रसोई? अनुज के पार्सल में छुपा है कौन सा राज? कहां होगी 15 साल बाद मान की मुलाकात? कौन कराएगा हमारे अनुज और अनुपमा का मिलन? आइए करते हैं इस राज का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। शो के लेटेस्ट एपिसोड में गुंडों से बचती आद्या को देख लेता है प्रेम और उन्हें भगाकर बुखार से तप रही छोटी अनु को कृष्ण कुंज ले आता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या की वापसी से खुश अनुपमा उसे घर में ना देख कर घबरा जाती है और अनुज को याद करती है। लेकिन तभी कावेरी के इशारे पर उसे मिलते हैं आद्या और प्रेम। प्रेम उसे सब कुछ बता देता है और अनु उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन छोटी अनु उसे देखकर चिढ़ जाती है। वहीं जिगर के सच बताने पर अनु घर वालों को उसकी सेविंग्स खत्म होने का खुलासा करती है और सबकी टॉन्ट्स की परवाह ना करते हुए अनु की रसोई बचाने का फैसला लेती है, जिसमें ईशानी को छोड़कर सारे बच्चे करने वाले हैं उसकी मदद। ऐसे में क्या आद्या भी बनेगी अपनी माँ का सहारा? कयास लगाए जा रहे हैं कि अनु की रसोई को बचाने में इस बार प्रेम नहीं बल्कि कोई और करेगा मदद, लेकिन कौन? दरअसल अंश, माही और परी ने मिलकर अपने अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन देने का फैसला किया है, लेकिन वो कम पड़ जाएगा। ऐसे में आद्या आएगी आगे और देगी उनका साथ, जिसके बाद वो बनाएंगे एक सीक्रेट मिशन अनु की रसोई को बचाने के लिए। लेकिन क्या हो पाएगा उनका ये प्लान सक्सेसफुल? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 15 साल बाद होगी अनुपमा और अनुज की मुलाकात। जी हाँ, आखिरकार वो पल आने ही वाला है जिसका अनुपमा के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल अनु और अनुज वही मिलेंगे जहां उन्होंने आखिरी बार अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बीच कैसे होगी ये मुलाकात? कहा जा रहा है कि अनुपमा को भेजे गए अनुज के पार्सल में लिखी आएगी उसकी मौत की खबर। जी हाँ, उस लेटर में साफ साफ लिखा होगा कि अब अनुज कपाड़िया इस दुनिया में नहीं है। पर ऐसे में कैसे होगी उनकी मुलाकात? क्या अनु कर लेगी इस बात पर विश्वास या जान पाएगी लेटर का असली सच? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल शो में भले ही छोटी अनु को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा हो, लेकिन जल्द ही हटेंगे गलत फहमी के बादल और तब आद्या ही कराएगी मान का मिलन और पूरा करेगी सालों पुराना अपनी हैप्पी फैमिली का सपना। हालांकि अभी राहों में मुश्किलें बहुत आने को है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके हमें बताना ना भूलें और इस तरह की वीडियोस के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।